एक तरफ तेरी आंखें, जादू तो ना एक तरफ। हेलो ब्रो, स्वागत है मेरे एक और न्यू अलाइट मोशन के HDR एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो में। चलिए आज हम फेस HDR वीडियो कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलाइट मोशन ऑन कर लीजिए। अलाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस आइकन में जाइए, अपना रेशियो सब सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट कीजिए। फिर प्लस आइकन में जाइए, मीडिया में जाइए, अपना वीडियो सेलेक्ट कीजिए। वीडियो कौन सा वीडियो है? इसको बनाते हैं, जब फेस बनाना है तो इसी को बनाते हैं। इतना करने के बाद जाइए वीडियो में, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए चैनल RGB, चैनल रिमैप RGB आ जाएगा। स्टैंडर्ड में जाइए, जो ये जी है उसे जी में रहने दीजिए, बी को जी में कर दीजिए। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं, बैक आ जाइए, फिर वही वीडियो में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए SA सेचुरेंस एंड वाइब्रेंस, ये जो है उसमें जाइए। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग में जाइए, फिर अंदर जाइए, उसका बढ़ाइए जितना बढ़ाना है आपको, जितना अच्छा लगे, जितना मिजाज आप उतना बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, जितना आपको अच्छा लगे। इतना करने के बाद फिर वही वीडियो में जाइए, वीडियो में नहीं, प्लस आइकन में जाइए, एक रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल को बढ़ा के दीजिए, कलर एंड फिल में जाइए, इसका कलर कर दीजिए ग्रीन, क्या बोलते हैं, स्काई कलर होगा ये। स्काई कलर में जाइए, इफेक्ट में जाइए, एड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए, और नो सॉरी कहाँ पगला गए हैं हमका, ब्लेंडिंग ऑपोसिटी में जाइए, पाँचवें नंबर में होगा डिफरेंस में जाइए, तीसरे नंबर में होगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर बाहर आ जाइए, फिर वही रेक्टेंगल में जाइए, इफेक्ट में जाइए, एड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा, कॉपी बैकग्राउंड में जाइए, स्टैंडर्ड में जाइए, बैक आ जाइए, फिर वही रेक्टेंगल में जाइए, इफेक्ट में जाइए, एड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए जी, टाइप कीजिए जी, आ जाएगा गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर में जाइए, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाइए, अंदर जाइए, इसको बढ़ाइए 5.5 बोलते 530 के अराउंड, इतना बढ़ाते हैं, हाँ इतना में हो जाएगा, तो फिर बैक आ जाइए, फिर वही शेप में जाइए, इफेक्ट में जाइए, एड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए EX एक्सपोजर एंड गामा, एक्सपोजर एंड गामा में जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाइए, फिर उसके अंदर जाइए, एक्सपोजर को माइनस कीजिए 90 तक, 90 माइनस करने के बाद गामा को भी माइनस कीजिए 700 तक, 700 अरे यार चलो इतना चलेगा 700। इतना करने के बाद क्या लग रहा है, इतना करने के बाद बैक आ जाइए, फिर प्लस सेकंड में जाइए, एक रेक्टेंगल ले, रेक्टेंगल को बढ़ा के जी कलर में फिल में जाइए, इसका कलर वाइट कर दीजिए, वाइट करने के बाद बैक आ जाइए, फिर वही शेप में जाइए, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाइए, चौथे नंबर में कॉन्ट्रास्ट में जाइए, ओवरले कर दीजिए, आपका वीडियो बन चुका है। स्टार फाइट सिंपल स्टार फाइट देना है तो आप प्लस सेकंड में जाइए, एक रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल को बढ़ा करिए, कलर फिल में जाइए, ब्लैक कलर कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर वही इसको पूरा वीडियो में फिल कर लीजिएगा, वहाँ से एंडिंग तक फिल करने के बाद इसको कीजिएगा, फिर वही शेप में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए यहाँ सिंपल, सिर्फ सिंपल सर्च कीजिएगा, सिंपल सिंपल स्टार पे, स्टैंडर्ड में जाइए, यहाँ मारिए एक की पॉइंट, फिर लास्ट मारिए की पॉइंट, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, तेज बढ़ाइए, दिख रहा है, बढ़ाइए 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 जितना स्पीड रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आइए, साइज को इंक्रीज कीजिए थोड़ा, इसको भी बढ़ाइए, ये दिख रहा है डॉट डॉट, ये बड़ा होना चाहिए। ना करने के बाद फिर बैक आ जाइए, बैक आने के बाद फिर वही शेप में जाइए, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाइए, तीसरा नंबर में है लाइटिंग, तीसरा लाइटिंग में जाइए, स्क्रीन कर दीजिए, बस बन गया आपका वीडियो। इसी दोनों का कान पकड़िए, इधर स्टार्टिंग में आइए, ये वाला आइकन को दबा दीजिए, अबे कहाँ क्या हो रहा है, इसको ऊपर करो, ये वाला आइकन को दबाइए, फिर लास्ट में ये वाला आइकन को दबा दीजिए, बस आपका वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एक्सपोर्ट से जाके कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद भी नहीं हो रहा है आज।